है और प्रकृति उसे तय करती है, प्रकृति ही मिलाती है और प्रकृति ही व्यक्तियों को व्यक्तियों से दूर करती है। मुझे आपसे और आपकी मुझसे मुलाकात हुई इस फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। यह प्रकृति की एक सोच थी और उसी सोच के आधार से हम और आपकी मुलाकात हुई। यह आवश्यक नहीं होता है कि हम किसी को चुनते हैं, हम किसी को चुनते नहीं हैं, हमारा चुनाव कभी होता भी नहीं है, प्रकृति चुनती है, प्रकृति ही जीवित जीवन में अमृत भरती है और प्रकृति ही उस अमृत को विश्व में परिवर्तित कर देती है अगर हम रिश्ते नहीं टिका पाते हैं तो। बहुत सारे लोग दरार रखते हैं मेरे प्रति, बहुत ईर्ष्या रखते हैं, घृणा करते हैं मुझसे, नफरत करते हैं। प्रेम करने वाले तो अनगिनत है, मैं जानता हूँ उन्हें, लेकिन नफरत करने वाले भी कम नहीं है संसार में। जब भगवान श्री राम से घृणा करने वाले उस समय मौजूद थे, जब माता सीता से घृणा करने वाले, उनके चरित्र पर संदेह करने वाले भी लोग उस समय मौजूद थे, माता सीता की अग्नि परीक्षा होने के बावजूद दूसरी बार भी उनको पब्लिक में बोला गया कि तुम बोलो कि तुम्हारा शील पवित्र है, तो उस समय ऐसे भी लोग मौजूद थे, आज भी ऐसे लोग हैं। लेकिन इस संसार में दुर्भाग्य ये है कि यहाँ सत्य बिक जाता है, यहाँ चरित्र बिक जाता है। जो निश्चल होते हैं वो यातनाओं से गुजरते हैं, लेकिन जो पापी होते हैं, दुरात्मा होते हैं, वो आनंद की यात्रा पर अपने जीवन का आनंद लेते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता, कुछ समय के पश्चात यह समाप्त हो जाता है। मैं जानता हूँ कि मेरा विषय कोई है नहीं, अन्यथा देश हित के बारे में बात करता, मैं अपने मूल स्वरूप में बात करता तो बहुत सारे लोग इस समय जुड़े हुए होते। केवल मैं ये संदेश देने के लिए या लाइव के माध्यम से आया कि मैं जीवित हूँ और अभी आपका सूर्य सागर आपसे इस समय बात कर रहा है। इसी शरीर की सहायता से, इस आत्म तत्व के निमित्त से मैं आप सभी के साथ इस समय बात कर रहा हूँ, जिंदा हूँ, जीवित हूँ। और जिन्होंने भी यह भ्रामकता फैलाई उन लोगों को मेरा हृदय से आशीर्वाद कि उन्होंने मेरे जीते जी मेरी आयु लंबी कर दी। इस आयु का कोई मतलब नहीं है, जितना दिन जीवन जीना है शेरों के भांति जिएंगे हम, स्वाभिमान की तरह जिएंगे। मृत्यु एक दिन आएगी और ले जाएगी। 20 साल कुत्ते जैसा जीवन जीने से बेहतर एक दिन का जीवन शेरों जैसा ही जीवन जिएंगे तो आप लोग हमें सदा याद करेंगे। कायरों को इतिहास याद नहीं करता, कायर 100 साल जिया है उसे इतिहास याद नहीं करता, लेकिन एक बहादुर 20 साल की उम्र में मर जाता है उसे याद करता है इतिहास। भगवान श्री राम की पहचान रावण की वजह से हुई थी, भगवान कृष्ण की पहचान जरासंध की वजह से हुई थी, कंस की वजह से हुई थी, और हमारी राष्ट्रवादियों की पहचान राष्ट्रद्रोहियों के कारण होती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारा आत्मिक शोषण करते हैं, मानसिक शोषण करते हैं, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम उसमें रचे पचे हुए हैं। हम नरेंद्र मोदी साहब के कट्टर समर्थक है तो स्वाभाविक है कि जो मोदी विरोधी विचारधारा होगी, स्वाभाविक है कि वो हमारा मानसिक मनोबल तोड़ने का प्रयास करेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिन्हें सभ्यता और संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है वे ही लोग नाना प्रकार की आततायी बातों को लेकर के भ्रामकता फैलाते हैं, यही दुर्भाग्य है। और ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं, ऐसे लोग जब सामने आते हैं और ऐसे लोगों से जब हमारी नजरें मिलती है, जब ऐसे लोग हमारे सामने पकड़ करके लाए जाते हैं, तब ये लोग क्षमा मांगते हैं, पैर पड़ते हैं, ये तक पीने की तैयारी रख देते हैं, लेकिन माफी मांगते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग विरोधात्मक बातें करते हैं फेक अकाउंट बना करके, तो सावधान रहो क्योंकि तुम्हारे अकाउंट पर भी नजरें जमी हुई होती है सरकार की, और ये सूर्य सागर सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए ही कार्य करता है, समाज के लिए कार्य करता है। और मैं सन्यासी हूँ, मेरा दायित्व तो बनता है कि समाज में जो विघातक प्रवृत्तियाँ हैं उनके ऊपर कटाक्ष करूँ। मेरा व्यक्तिगत जीवन भी कुछ अलग होगा और मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरी पसंद भी कुछ अलग होगी, नापसंद भी कुछ अलग होगी। कुछ मेरे अपने भी होंगे जिन पर मैं अपना अधिकार जताना चाहता हूँ, कुछ लोग मेरे अपने ऐसे भी हैं जिनको मैं कीचड़ से निकालने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कीचड़ जैसे एक राजा था। क्षमा करना, स्वर्ग में एक बार बात हुई, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, सांझ की बेला है इसीलिए मैं आप सभी को धर्म चर्चा करना चाहता हूँ, किसी पर कटाक्ष इस समय मैं नहीं कर रहा हूँ। हालांकि कटाक्ष ही करना था मुझे क्योंकि बातें ही भ्रामकता फैलाई गई, लेकिन मैं केवल और केवल मैं जीवित हूँ यही आपको प्रमाण देने के लिए यहाँ आप सभी के बीच लाइव आया हूँ, बताना चाहता कि मैं जिंदा हूँ, नाहक ये बात ना फैले। स्वर्ग में चर्चा हुई कि संसार में सबसे गंदा प्राणी कौन सा है, उसको उठा करके यहाँ लाएंगे स्वर्ग में। नारद को ये काम सौंपा गया, नारद ने पूरा संसार ढूंढ लिया, उसे गंदगी में गंदा व्यक्ति कोई नजर नहीं आया, आखिर देखा एक सुअर जो गंदगी में बैठा हुआ था, मजे से आनंद ले रहा था। नारद वहां पहुंचे, नारद ने कहा ये क्या कर रहे हो, बाहर निकलो। उसने कहा नहीं, मैं यहां से बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे यहां सुकून मिल रहा है। जो जिस जाति में पैदा होता है, जाति का मतलब समझ लीजिए,
हमने रामायण देखी, महाभारत देखी, वहां पर चमार भंगी नहीं आया शब्द, वहां कुछ नहीं आया, लेकिन धोबी शब्द आता है। बहुत सारे लोगों ने एक मैसेज के जरिए भ्रमकता फैलाने का प्रयास किया। मैं उन सभी को एक ही छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। किसी ने कहा कि जाति उस समय नहीं, जातियां थी, वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था के आधार से यही संसार की स्थापना हुई है। किसी ने कहा कि रामायण हमने पूरा देखा, लेकिन रामायण में कहीं जिक्र नहीं हुआ कि कौन से जाति का कौन था। मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, रामायण है धर्म ग्रंथ है, वहां पर जातियों का सर्टिफिकेट लेकर के आपको जताया नहीं जाने वाला था, क्योंकि इस प्रकार से अगर बातें करें तो वह लंबा रामायण की जगह हजारों हजारों पन्ने उस रामायण के अंकित हो जाते। जातियों का विरोध, जातियों का वहां स्पष्टीकरण करना महर्षि वाल्मीकि को कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन एक शब्द आता है, आपने सुना होगा, माता भगवती सीता पर संदेह करने वाला एक व्यक्ति था, वो था धोबी। आई बात समझ में? धोबी था, समझ तो गए होगे आप। मतलब जाति व्यवस्था उस समय थी, वर्ण व्यवस्था भी थी और जाति व्यवस्था भी थी, लेकिन उस जाति में विकृतियां नहीं थी। विकृतियां तो इस कांग्रेस की देन है, विकृतियां तो इन अंग्रेजों की देन है, विकृतियां तो इन मुसलमानों ने हम हिंदुओं के बीच और दलितों के बीच वैमनस्य डालने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचा, वो उसमें सक्सेस हो गए। और हम जैसे लोग, अगर हम दलितों को बताना चाहेंगे कि तुम दलित हो ही नहीं, तुम हिंदुओं के एक हिस्से हो, जातिगत व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के आधार से तय किया गया है कि किस अनुसार देश को संचालित किया जाता है। लंबी बात है, मैं वो बताना नहीं चाहता। हमारे मलिक भाई क्या लिख रहे, अल्लाह या बापे, जय हिंद। तो मेरे मलिक भाई, तुम तो बड़े शेर हो भाई, तुम्हारे जैसी कोई बराबरी नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में अगर कोई दहाड़ मारता है सच्चा खतरनाक, तो ये मलिक सेहरावत, आप इनसे जुड़िएगा, ये इनकी बातें बड़ी खतरनाक होती है। और हम खुद ही आचार्य सूर्य सागर उनको लाइक करते हैं, उनको पसंद करते हैं। मलिक भाई, आर्यवीर जो लिखा है, आर्यवीर सहवाग, मेरे सभी साथी जो देश से प्रेम करते हैं और हिंदू धर्म से विशेष प्रेम करते हैं, वो लोग इनसे जो अवश्य जुड़िएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ तो साथियों की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का यह जिक्र नहीं आता। महत्वपूर्ण ये बात है कि मेरे मृत्यु का समाचार देकर के कुछ हासिल भला क्या हो जाएगा। दिसंबर महीने की बात है, जो मैंने कल एक पोस्ट की मेरे पेज पर, या शायद इसी आईडी पर मैंने एक पोस्ट की, गुजरात समाचार का वह कात्रण है जो मैंने आज अपलोड रात्रि को किया था शायद, और उसी को नैतिक आधार मानकर किसी ने मेरे हथ में मरा गया, इस प्रकार से भ्रामकता फैलाई। दिसंबर महीने में किसी ने फेक समाचार दिया था कि मैं साधना में बैठा और मुझे गोलियां मार करके मेरी हत्या हो गई, 20 गोलियां लगी मुझे, साले ने गिन भी लिया 20 गोली। आश्चर्य है ना, कितनी मूर्खता है कि मुझे 20 गोली लगी और मैं वहीं मर गया। 20 गोली मारने वाले ने 20 मारने वाला गिन नहीं पाएगा और ये समाचार वालों ने दे दिया 20 गोलियां मुझे मार दी गई। याद रखो, कुकर मुत्ते जो होते ना, वो बरसात में ज्यादा पनपते, पर तुम साले 12 महीने पैदा होते हैं और तुम्हें उसी जगह पर गाड़ दिया जाता है, खाद के भी काम नहीं आते तुम, कुकर मुत्ते जो ठहरे। तो जब यह समाचार आया, उस रात्रि का समय था और वो अमावस की रात्रि थी, साधना के लिए मैं अधिकतर शमशानों में उस समय रहता हूं, लेकिन भाग्य से मैं उस समय पुलिस वालों को मिल गया। मेरे लोग मुझे ढूंढने के लिए आए और मैं उनको मिल गया। अगर मैं नहीं मिलता तो बड़ा कांड हो जाता, तुम सूर्य सागर को जानते ही कितना हो। सिर्फ एक समाचार में यहाँ पर किसी लोगों ने भ्रामकता फैलाई तो पुलिस वालों को यहाँ आना पड़ा। कहने लगे, गुरुजी आप संभालो, आपके शत्रु मुसलमान कम हिंदू ज्यादा है, आप बताइए। मुझे आश्चर्य लगा कि हिंदू कम मुसलमान कम, हिंदू ज्यादा है, स्वाभाविक है, और यह त्रैकालिक सत्य भी है। मुसलमान मुझे मार नहीं सकता क्योंकि मुसलमान जानता है मुझे, वो हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन हमारे अपने, जिन तिलचट्टों की कोई औकात नहीं है, वे धमकियां देते हैं। धमकियां देने वाले तो सैकड़ों हैं, कुत्तों की तरह भौंकने वाले अनगिनत हैं इस संसार में, लेकिन जब शेरों का मुकाबला होता है ना, तो अच्छे अच्छे लोग पेशाब कर देते हैं, मैंने देखा है। मेरा दुर्भाग्य यह रहा कि सन्यासी होने के बावजूद भी अगर मैं आपके हित की बात करता हूं तो सहायता और समर्थन मिलने के बजाय कटाक्ष करने वाले लोग अनगिनत मिलते हैं। कहते हैं, मुझे उपदेश देते, गुरुजी आप गालियां बहुत देते हो। आज ये कोई हमारी माता बहन ने कहा, गुरुजी आप गाली देते हो, तो मैंने कहा, जो गाली कांड के अधिकार है, अधिकार रखते, जो गाली कांड का अधिकार रखता है, गाली हार देगा सूर्य सागर से। लोग कहते हैं कि तुम्हें क्रोध आता है, अरे तुमने रामायण तो देखा होगा ना, जब भगवान श्री राम धनुष उठाकर उस धनुष को तोड़ देते हैं, उस समय महर्षि परशुराम आते हैं,
और परशुराम के क्रोध के आगे सारे नतमस्तक हो जाते, आप सब जानते हैं। साधुओं को क्रोध शोभा देता है। और फिर आज भी आपने देखा होगा भगवान श्री राम के रामायण को, कल देखा होगा, लास्ट का एपिसोड कल था, मैंने देखा। महर्षि दुर्वासा, मैं कोई आपको रामायण नहीं सुना रहा हूं, मैं कोई आपको धर्म का पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि धर्म का पाठ मुझे पढ़ाना नहीं आता, आता है लेकिन वो अब समय नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अपने भावनात्मक स्थिति को परिवर्तित करना आज अत्यंत अनिवार्य। अगर मैं आपको धर्म की बातें बताने लगूंगा, शास्त्रों की बातें बताने लगूंगा, शस्त्रधारी आप तक पहुंचेगे, आपके शास्त्र फाड़ कर जला करके राख कर देंगे और आपको मार देंगे। बेहतर है मैं आपको शस्त्रों की भी बात सिखाऊं, शस्त्र का भी ज्ञान मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊं, दिखाऊं, समझाऊं। जब भगवान श्री राम काल के साथ व्यक्तिगत चर्चा करते हैं और काल उनसे एक वचन लेता है कि जो भी व्यक्ति हमारी आवाज़ सुनेगा या दूर से भी देखेगा उसको मृत्युदंड देना होगा आपको, आप सब जानते हैं, मैं आपको पुनः नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ संश्लेष में एक बात बताना चाहूँगा। उस समय महर्षि दुर्वासा आ जाते हैं। देखिए लकड़बग्गो, तुम बोलते हो ना साधु को क्रोध नहीं आना चाहिए, तो साधु से कितनी फटती थी देवताओं की, नारायणी अस्त्र का मालिक, नारायणी सेना का मालिक, नारायणी अस्त्रधारी, चक्रधारी नारायण श्री कृष्ण के नारायण लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण नारायण थे, उनको पहरेदारी पर लगाया गया। लेकिन जब दुर्वासा आए और दुर्वासा ने कहा कि मुझे अंदर जाना है और कहा कि अगर मेरा क्रोध आ गया तो, समझ गए लक्ष्मण, उन्होंने ये सोचा मेरी अकेले की मृत्यु से अगर मेरा अयोध्या, मेरी अयोध्या बचती है तो मेरे लिए ये स्वीकार है। याद करो लक्ष्मण एक महान पराक्रमी पुरुष, उसे महर्षि दुर्वासा के श्राप से डर लगा, उसे महर्षि दुर्वासा के क्रोध से डर लगा। तुम क्या तिलचट्टे हो, तुम्हारी कोई अपनी औकात तो है नहीं, फिर तुम क्यों बैसाखी लेकर के हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। मेरा कर्तव्य जो है वो मैं निर्वाहन कर रहा हूं, तुम्हारे साधुओं ने तुम्हें अपाहिज बना दिया, तुम्हारे साधुओं ने धर्म की बातें बता बता कर तुम्हें नपुंसक और कायर बना दिया। भगवत गीता का पाठ पढ़ते, मैंने भागवत पढ़ी तो नहीं है पर सुनी है, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मेरे साधु समाज माफी नहीं मांगूंगा तुमसे, पर फिर भी उनके भक्त और सभी लोग मुझे माफ करना, क्योंकि मैं अपने दिल की बात बताऊंगा। भागवत मैंने पढ़ी तो नहीं है पर भागवत में कहां पर वर्णन आता है कि आप अपनी माता बहनों को, भागवत जब चल रही है और ये लोग पोथी पढ़ रहे कथावाचक, और वहां पर तुम्हारी माता बहनें डांस कर रही, नाच रही है। भक्ति से नाचना अलग होता है, वहां भक्ति से नाचता कोई नहीं है। जहां पूरा संसार, पहले जमाने में लोग अपनी माता बहनों के हाथों से घर में भोजन बनाते थे विवाहिक आदि प्रसंगों में, और बाहर की नगर वधुएं आकर के नाचती थी। आज जमाना पलट गया, जमाना नहीं पलटा, तुम्हारी कुबुद्धि पलट गई और तुम्हारी गोबर बुद्धि के कारण सारे संसार का अंत निकट था, लेकिन आ गया कोरोना और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। पहले माता बहनें खाना पकाती थी, नगर वधुएं नाचती थी, आज उल्टा हो गया, तुम्हारी माता बहनें काटा गड़ गया, रुको, तुम्हारी माता बहनें नाचती है बाहर, झूठ नहीं बोल सकता मैं, जानते हो आप, और आप खंडन नहीं कर सकते। टिकटॉक नचनियों का एक कोठा हो गया, टिकटॉक पूरा वेश्यालय, पूरा कोठालय, और इसके जिम्मेदार सारे तुम हो। अपना नंगा नाच अगर वहां पर दिखाओगे तो स्वाभाविक है तुम्हारे घर में चरित्र का हरण होगा, तुम्हारी माता बहने अगर मुसलमानों के साथ भाग जाएगी तो दोषी तुम हो। अब कोई राजकोट की एक जैनी लड़की के, मेरे पास 5-6 वीडियो आए, जैन समाज की लड़की है, उसका फोन नंबर भी दिया मेरे पास किसी ने, कहा गुरुदेव आज इसको संभालो, बताओ मैं कौन हूं, तुम्हारा ठेका लिया है मैंने, जो मैं उसके साथ बात करूं, जिसको एक बार चस्का लग जाता है ना, माफ करना मेरी माता बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर हमें किसी के प्रति आकर्षण होता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें समझता है, कोई व्यक्ति हमें प्रेम करता है, एक गाना था ना, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, वो तू इस तरह से मेरे जिंदगी में शामिल, कोई गाना उसमें एक शब्द आता है, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, प्रेम किसी से भी कर सकता है व्यक्ति। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई एकाद अपवाद आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको चस्का लग जाता है, ऐसे कई देखे हैं मैंने, एक दो, और उन्होंने तुम्हें कितना भी समझाओ फिर वो मानने को राजी नहीं होते, और वो फिर तुम्हें अपना शत्रु समझ लेते हैं। और फिर ऐसे लोग जब मरते हैं तो अकेले नहीं मरते, अपने परिवार को लेकर के डूबते हैं, अपने कुल को लेकर के डूबते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, मैं आप सभी को बस इतना ही निवेदन करना चाहूंगा हृदय से, दिल से, कि नचनियों वाले इस कोठे से आप दूर रहो। और एक सन्यासी सलमान खान, मादर
अबे जो साला क्या बोला क्या मतलब, अबे साले बुल्ले, तुम्हारे तुम्हारे रमजान चल रहे ना, तुमको तो गाली दे रहे हो तुम, तुम्हारे रमजान चल रहे यार, या अल्लाह ये कैसे हो गया है? रमजान चल रहा है, पवित्र महीना बोलते हो तुम, पाक महीना बोलते हो, परमात्मा की अल्लाह की तुम इबादत करते हो, और यहाँ पर तुम कमर के नीचे की भाषा इस्तेमाल करते हो। अरे रे रे रे, अल्लाह का मजाक तो तुमने ही बना करके रखा है। अगर तुम हम जैसे धर्म योद्धाओं के, हम जैसे देशभक्तों के, हम जैसे राष्ट्रवादियों के वॉल पर आकर के अगर अपना मुंह नहीं फाड़ोगे तो तुम्हारे मजहब को गालियां क्यों मिलेगी? तुम्हारे अल्लाह का अपमान करने वाले तुम हो, देशभक्त नहीं, तुम्हारे अल्लाह का मजाक तुम स्वयं बनाते हो। जबकि अभी तो रमजान चल रहा है, अब जब रमजान चल रहा है तो कम से कम तुम्हारे थोबड़े के अंदर गोबर तो भर ले। क्यों अपना मुंह खोल रहे हो, क्यों गालियां दे रहे हो और गालियां खा रहे हो? अगर हमने प्रारंभ कर दिया ना, कान से खून आना लग जाएगा तुम्हारा। बेहतर है हमारा मलिक भाई तुम्हारे लिए काफी है, पर निकल ले यहां से। तुम कटे अंडो, तुम यहां आया ही मत करो। मैं तुम्हें यहां ज्ञान देने नहीं आता, तुम ज्ञान के लायक हो ही नहीं। मैं भारत सरकार से इसीलिए तो मैं नाराज हूं। प्रधानमंत्री जी के पास मैंने 50 मैसेज पहुंचाए, एक तो पहुंचेगा ही मेरा। मैंने यही कहा उनको, मगरमच्छों को पाल लो, सांपों को पाल लो, चिपकली बिल्लियां जितने जहरीले जानवर है उनको पाल लो, जहर पी लो, लेकिन इनको भगाओ देश से। हराम खोरों की वजह से मेरा देश रेड जोन, ऑरेंज जोन और न जाने क्या क्या जोन पैदा कर दिया इन हराम खोरों ने। कभी हमने ये सुना तक नहीं था, लेकिन इन हराम खोरों की वजह से मेरा देश। साले फिर बोलते हैं कि सूर्य सागर तुम हमको टारगेट करते हो, मेरे शिष्य तुमको टारगेट करते, करेंगे, आते क्यों है यहां पर गोबर खाने के लिए हराम खोरों की औलाद हो? मैं केवल मेरे धर्म का, मेरे हिंदुत्व का प्रचार करता हूँ, तुमको मैं नहीं जानता। मैं अपनी लकीर बड़ी करता हूँ, तुम्हारी लकीर छोटी नहीं करता। इसलिए बेहतर है तुम्हारे अल्लाह का अगर तुम सम्मान करते हो, मोहम्मद साहब का अगर तुम सम्मान करते हो ना, तो निकल लेना यहाँ से। मेरी केवल एक न्यूज़, फेक न्यूज़ किसी ने अपलोड कर दी फेसबुक पर दिसंबर महीने में, और 15 मिनट के भीतर 3,000 लोग घुस चुके थे मुझे देखने के लिए। हालांकि तब तक मैं आश्रम आ चुका था। उसके बाद मान लो 3 साधुओं की हत्या हो गई, देश हिल गया। उनको तो कोई जानता भी नहीं था। 2 साधु बुलंदशहर में मार दिए, उनको कोई जानता नहीं था। लेकिन सूर्य सागर के लिए सब ट्राई मत करना, क्योंकि मैं पैदाइशी क्षत्रिय हूं। जन्म लेकर के खून की बूंदे ही चूस करके मैं बड़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं। रक्त बहता हुआ देखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सन्यासी हूं इसका मुझे आभास मत दिलाना। हम क्षत्रिय है, हमारे 2400 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, और हमें उन्होंने नैतिकता के पाठ के साथ साथ हमें खून बहाना भी सिखाया है। इसलिए जैनियों को कमजोर समझने का प्रयास मत करना। जैनी, हिंदू, ब्राह्मण, ये साले आपस में अभी लड़ने लगे हैं। मैंने देखा अधिकतर फेक आईडी बना करके, ये कटुए कटे अंडे फेक आईडी बनाते, ये भीमटे सुधरेंगे नहीं। कुछ लोग सुधरना ही नहीं चाहते, तो इनको उनकी भाषा में जवाब देना पड़ता है। मैंने यही कहा कि मैं उसी भाषा में अगर जवाब देता हूं तो मैं कौन सा अपराध करता हूं? स्वयं तो गाली कभी देता नहीं और गाली कभी सुनता नहीं। तुम गाली दो तो मैं गालियों की बौछार कर दूंगा, तुम प्रेम दो तुम्हारे लिए सर कलम कर दूंगा स्वयं का। बहुत सही आपने से कहा शरण। हमारे मनीषा जी कमेंट चला गया ऊपर, तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको हृदय से प्रेम है भगवान श्री राम के प्रति और श्री राम के रामायण, आज मैंने एक वीडियो अपलोड की जो मेरे पास पीएम ऑफिस से ही किसी ने मुझे भेजी, और कुछ साथियों ने कहा कि वो बनावट है, फेक है। अरे फेक ही सही, पर हमारे प्रधानमंत्री जी अगर स्वयं रामायण को पसंद करते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी नहीं होते नरेंद्र मोदी साहब इस तख्त पर, तुम्हारे राम मंदिर की सब धरा का धरा रह जाता। बस साथियों बहुत हो गया, आप सभी का समय लिया और आप सभी ने समय दिया, इसलिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। हृदय से आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। बस अपना मनोबल कमज़ोर मत होने दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि कोरोना किसी का सगा नहीं। तुम मौत के मुंह से बाहर आ सकते हो, लेकिन इसके मुंह से बाहर नहीं आ सकते। याद रखिए, कोरोना को फैलाने वालों से पहले दूर रहिए। कोरोना फिर भी तुमको जिंदा छोड़ देगा, लेकिन इन लोगों से अधिकतर थोड़ा दूर रहो। और इस रमजान महीने में मैं नरेंद्र मोदी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान भाइयों को खुली छूट दे दीजिएगा। उनके रमजान महीने चल रहे हैं, उनके पवित्र महीने चल रही है, और उनको छूट देना चाहिए, उनको नमाज पढ़ने की छूट देना चाहिए सामूहिक रूप से, और उनको
उनके त्यौहार मनाने की उनको पूरी खुली छूट देना चाहिए उनके उनके तरीके से। तुम्हें बीच में उंगली करने की जरूरत नहीं, जा करके घर घर सामान देने की जरूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ है, वो कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से यही अपील करना चाहता हूँ दिल से, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति होने के नाते, कि रमजान महीने में मुसलमानों का पूरा अधिकार है उनको उनका धर्म मना धर्म की धार्मिक गतिविधियाँ मनाने का, तो सामूहिक रूप से वो जो नमाज़ पढ़ते हैं, मेरी इच्छा है कि वो सामूहिक रूप से नमाज़ पढ़े और ये पूरा महीना उनके लिए मुबारक। भगवान तुम्हारे परमपिता परमात्मा जो भी जहाँ पर भी हो तुम्हारी रक्षा करे, करेगा या नहीं करेगा वो तो वो भी जानता नहीं है, तो जो भी है बस आप मेरे चक्र में मत फंसिएगा और मेरे लिए षड्यंत्र मत रचाओ, क्योंकि मैंने कई षड्यंत्रकारियों को उन दीपक भाई बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, हमारे भारत के ताकतवर शाब्दिक शब्द के सम्राट दीपक भाई, बजरंग दल के प्रमुख दीपक हिंदू, स्वागतम, वेलकम, आशीर्वाद। तो मैं उन सभी को यही कहना चाहूँगा, सैल्यूट है गुरुजी आपकी सोच को, धन्यवाद सलमान भाई, आशीर्वाद। बस मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रवाद को समझो, जो राष्ट्र का गद्दार होगा राष्ट्र। आज हमारे एक ग्रुप में हमारा ही जैन समाज का एक आदमी हरामखोर जैन, बताइए उसने कैसा व्यवहार किया था। पहले मुझे धमकाया, मैं प्रवीण तोगड़िया के साथ में मेरा गठबंधन है, मैं प्रवीण तोगड़िया के साथ उठता बैठता हूँ। अरे बाप रे, प्रवीण तोगड़िया तो मेरे को तो मार ही डालेगा अभी, सूर्य सागर तो मरा, तेरी प्रवीण तोगड़िया के साथ मुलाकात है भाई, मैं तो नॉर्मल व्यक्ति हूँ, कैसी धमकी। अरे वाह शाबाश। फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत से हमारा मुलाकात होता है, हम तो बैठते उठते हैं उनके साथ ऐसी बातें करने वाले, भाई मैं तो डर गया सूर्य सागर, आरएसएस से तो बड़ा खौफ खाता हूं मैं। फिर उसके बाद नहीं चली तो कहा मुख्यमंत्री कौन था, राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया, वो तुमसे बड़ी, बताओ ऐसे कई लोग आते हैं बड़े बड़े लोगों के नाम बता करके हमें डराते हैं, भाई हम तो सादे सिंपल इंसान है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो डर गए। सुनो रे, ये अपना डर है ना कुत्तों को दिखाओ, वो कुत्ता भी काट लेगा तुम्हें। सूर्य सागर कुछ अलग है, मेरे प्रपंच में ना पढ़ो, मैं केवल और केवल हिंदुस्तान की चर्चा करता हूँ, हिंदुओं की चर्चा नहीं किया मैंने कभी, किया है हिंदुओं की चर्चा नहीं, मैंने जैनियों की चर्चा नहीं की, मैं केवल हिंदुस्तान की चर्चा करता हूँ। और जो हिंदुस्तान से प्रेम करेगा, हिंदुस्तान की मिट्टी से प्रेम करेगा, हिंदुस्तान की आबो हवा से प्रेम करेगा, मंदिरों से प्रेम करेगा, भगवान से प्रेम करेगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से प्रेम करेगा, सूर्य सागर उसी से प्रेम करेगा। नरेंद्र मोदी साहब की प्रशंसा करना मेरे लिए बहुत महंगा पड़ता है, मुझे बहुत गालियां दी जाती है, पाकिस्तान से धमकी आती, कई कई ग्रुपों में मुझे ऐड कर देते, इनकी अम्मी अब्बू का हलाला मैं ऐसा कर देता हूं कि मुझे मजबूरन उन्हें भगा देना पड़ता है रात्रि को, इसी वजह से मैं ऑनलाइन रहता हूं, लोगों को लगता होगा व्हाट्सएप पर क्या कर रहे हैं गुरुजी, कभी कभी कुछ माता बहनें पूछ लेती है हिम्मत करके मुझे 3-3 बजे, गुरुजी क्या कर रहे हो 2 बजे, तो तू क्या कर रही 2 बजे, अगर 2 बजे तू गुरुजी पर वॉच कर रही है तो तू क्या कर रही 2 बजे है, मुझे पूछ रहे हो 2 बजे कर क्या रहे हो, नींद नहीं आती, सन्यासी को सोना नहीं चाहिए, सन्यासी सोता नहीं, और जो सन्यासी सोता है वो सन्यासी नहीं होता, ठीक है साथियों। बस मैं जीवित हूँ, जिन्होंने ये भ्रामकता फैला दी ना कि मेरी मैं मर गया और अब संसार में सूर्य सागर, बेहतर लिखा लिखने वाले ने, सूर्य सागर संसार में नहीं रहे, बहुत अच्छे प्रवक्ता थे और अब लॉकडाउन में उनके पास कैसे पहुंचे, तो लकड़ बग्गो, इस प्रकार से कुछ हुआ नहीं है, मैं 98 वर्ष तक जीने वाला हूं और आगे मेरे ईश्वर की इच्छा, मेरे पारसनाथ की इच्छा, मेरे परमात्मा की इच्छा, महाकाल की इच्छा, जितने दिन आयु उन्होंने दी है उतने आयु को आनंद से अवश्य भुगतूंगा और उसका आनंद लूंगा, दुख सुख सभी का सामना करूंगा, दुख इस बात का है कि कुछ अपने मेरे को नहीं समझ पाते। मैं यही चाहता हूं कि जो तुम हो, जो तुम मेरी आत्मा से जुड़े हुए हो, तो मैं यही चाहता हूं कि दलदल से मैं तुम्हें बाहर निकाल करके संसार के सर्वोत्तम सुख से परिचित कराऊं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। अभी सांझ हो चुकी है, मैं बोल रहा था कि सांझ का समय है, अब सांझ समाप्त, सांझ प्रारंभ होगी और सांझ हो गई, अंधेरा हो गया, इसका अर्थ यह नहीं कि अब तुम डर गए और अंधेरे में ही भटकते रह जाओगे और कहोगे अरे अभी तो हम मर गए, नहीं, तुम्हें अभी सांझ होने से पहले एक छोटा सा दिया जला लो, प्रबंध कर लो, तो अंधेरे से तुम्हें डर नहीं लगेगा। वंदे मातरम।